लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद यूनिट 5, सॉरी यूनिट 3 चैप्टर 5, बैटलिंग विद साइबर स्क्वाटर, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे. साइबर प्रोटेक्शन आज के टाइम पे, कॉपीराइट प्रोटेक्शन आज के टाइम पे साइबर वर्ल्ड में कितना ज़रूरी हो गया है, एंड मेनली जो डोमेन नेम होता है उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है और उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं. ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किए थे. साइबर स्क्वाटिंग का मतलब क्या होगा कि किसी का डोमेन, किसी का जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क टाइप का डोमेन मैंने परचेस किया है एंड नाउ आई एम मिस यूजिंग दैट डोमेन, या फिर आई हैव पुट सम डमी पेजेस ऑन दैट डोमेन. और जब अगर ओरिजिनल जिसका वो ट्रेडमार्क है वो अगर मेरे पास वो डोमेन परचेस करने आएगा तो उसको मैं ज़्यादा प्राइस में वो सेम डोमेन सेल करूँगा, ये हो सकता है. देन नेक्स्ट आपके पास साइबर स्क्वाटिंग के क्या पॉइंट्स रहते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, नाउ हाउ टू फाइट साइबर स्क्वाटर, दिस इज आवर टूडेज टॉपिक जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ एज यू कैन सी वी हैव साइबर स्क्वाटर को फाइट करने के लिए वी हैव वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज आईकैन. ठीक है, ध्यान से सुनो, हम लोग के पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये विपो है. इसने आइडिया दिया था UDRP का, इसको मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी. यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म हो गया, ये डोमेन नेम हो गया. यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी आइडिया विपो ने दिया था. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोवाइडेड एन आइडिया ऑफ UDRP. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है. अब कहीं कहीं पे आपको ये जो UDRP है ना, इसका ये फुल फॉर्म ऐसा दिखेगा, UDRP, ये ज्यादा ही बड़ा दिया हुआ है. यूनिफॉर्म कैसे आ रहा है देखो, यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी UDNDRP. इतना बड़ा जरूरी नहीं है, वी कैन जस्ट सिंपली रिमेंबर UDRP, यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी. ठीक है, किसके अंदर आता है, आईकैन के अंदर. क्या होता है वो समझते हैं अभी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज आईकैन. वी हैव आईकैन. अब आईकैन का मतलब क्या है, इंटरनेट कॉरपोरेशन. देखो यहाँ पे आपको उसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, दिस इज इंटरनेट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स. तो अब ये जो नेम्स एंड नंबर्स है, ठीक है, आईकैन, यहां पे ये इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स. नेम्स का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन नेम्स. नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट आईपी एड्रेस. डोमेन नेम्स लाइक .com, .org, .edu. अब आपके पास डोमेन्स जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं. अंडर इफ वी टॉक अबाउट अ डोमेन, इट कम्स ऑफ टू टाइप्स. एक आपका कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स होता है और एक जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स होता है. ध्यान से लिखना है, ये नोट करना. कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन मतलब .co.in, .co.uk, .co.us,
.co.pk, मतलब यहाँ पे ये जो है दिस इज कमर्शियल इन इंडिया, कमर्शियल इन यूके, कमर्शियल इन पाकिस्तान, कमर्शियल इन यूएस, ये वे में आपके डोमेन्स रहते हैं कंट्री कोड के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे डोमेन्स कैसे मिलेंगे, .org.in, .edu.in, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, दिस इज एजुकेशनल साइट और पोर्टल। देन दूसरे आपको जो मिलता है .ac.in, जैसे कल कॉलेज के हम लोगों ने देखे थे। तो ये सारे आपके अलग अलग डोमेन्स रहते हैं और लास्ट में कंट्री कोड रहता है। तो इसके लिए हम लोग CCTLD बोलते हैं। TLD stands for टॉप लेवल डोमेन्स। अगर मैं बोल रहा हूँ वी हैव bhavans.ac.in, bhavans.ac.in, तो यहां पे ये जो पार्ट होगा हम लोगों का, दिस इज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, और ये आपका सेकेंड लेवल डोमेन हो गया, ठीक है। देन इफ आई राइट bhavans.com, तो यहां पे ये जो है ये आपका जेनरिक टॉप लेवल डोमेन हो गया और ये सेकेंड लेवल डोमेन हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या बोला है, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी हैव जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स, और हम लोग के पास दूसरे जो होंगे वो कौन से होंगे, सॉरी कंट्री कोड वाले देख लिए, अब हम लोग जेनरिक वाले देखेंगे। तो जेनरिक तो नॉर्मल है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। जेनरिक वाले में कौन से आएंगे, लाइक वी हैव .com, सॉरी वी हैव .com, .org, .edu, .mil, मिलिट्री साइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपके जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होंगे, क्लियर है। सो मेनली दो टाइप के डोमेन्स होते हैं आपके, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स। नाउ हम लोगों के पास वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। मतलब इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, टू असाइन स्पेसिफिक IP एड्रेसेस टू डोमेन्स। लाइक इफ अ डोमेन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम इंडिया, देन इंडियन IP एड्रेस ही उसको असाइन होना चाहिए, ठीक है। इफ अ डोमेन रजिस्टर्ड इन इंडिया, देन वी शुड असाइन इंडियन IP एड्रेस टू दिस, बेस्ड ऑन विच वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कौन सा डोमेन कहाँ से रजिस्टर हुआ है ना। इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, वी हैव गूगल मैप्स। अब आप देखो गूगल मैप्स को अगर मैं इंडियन IP एड्रेस से एक्सेस करूंगा ना, इट शोज इंडियन मैप जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश एंड मैनी अदर डिस्प्यूटेड एरियाज इज पार्ट ऑफ इंडिया। इफ आई एक्सेस गूगल मैप फ्रॉम चाइना, देन इट शोज डिस्प्यूटेड एरिया इज पार्ट ऑफ चाइना। एंड इफ आई लॉग इन फ्रॉम पाकिस्तानी IP एड्रेस, देन इट शोज डिस्प्यूटेड टेरिटरी और पार्ट आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो ये वे में क्या होता है, हम लोग कहीं कहीं पे कुछ यूनिक चीज़ें अलग अलग वे में बताते हैं। को एक ही वेबसाइट के मल्टीपल वर्जन्स होते हैं, और कौन सा वर्जन आपको डिस्प्ले करना है, ये आपके आप जो डोमेन एक्सेस कर रहे हैं वो कौन से कंट्री से कर रहे हैं, आपका IP एड्रेस क्या है, उसके बेस के ऊपर हम लोग को पता चलता है। सो डोमेन नेम्स के साथ में IP एड्रेस लिंक रहते हैं, और वो कंट्री स्पेसिफिक अलग अलग IP एड्रेसेस होते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज ICANN, तो इसका मेन काम क्या रहेगा, ICANN का मेन काम क्या है, जस्ट टू मेक श्योर कि कौन से डोमेन नेम्स को हम लोग कौन सा कंट्री कोड मेंशन कर रहे हैं, बराबर है। तो इसके अंडर अभी दो कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ, ICANN ने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दिया है कंट्री लेवल पे,
कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट को अथॉरिटी दिया है और गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है वो रजिस्ट्रार रखेंगे और रीसेलर्स रहेंगे, जैसे वी हैव गोडैडी, ये रजिस्ट्रार है, देन वी माइट बी हैविंग सच रीसेलर्स, तो ये रजिस्ट्रार के पास से डोमेन लेके आगे वापस रीसेल करता है, डोमेन नेम होस्टिंग स्पेस सब कुछ। तो ये कंट्री पे गवर्नमेंट लेवल्स पे ये सब होता है। अब इफ वी हैव टू कंट्रीज लाइक यूएस एंड इंडिया, ये दोनों के बीच में अगर देर इज अ डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन, तो वो टाइम पे वी शुड हैव वन इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म शुड बी देयर, बराबर है। तो ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इसको हम लोगों ने आईकेएन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, और इसका आइडिया किसने दिया, विपो ने दिया, जिसका नाम क्या है, UDRP, मतलब मेरा कोई डोमेन है, जैसे एप्पल ये ट्रेडमार्क है, ये मेन कंपनी है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, यूएस से। अब इंडिया में किसी ने अगर एप्पल के नाम का डोमेन अगर मिसयूज किया और अगर इंडिया अगर नहीं सुनेगा तो दो कंपनीज के बीच में, जैसे सपोज कि ये जो ट्रेडमार्क है ये सपोज जियो ने मिसयूज किया, अब जियो एक बहुत बड़ा कंपनी है इंडिया में और यूएस में एप्पल एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो अभी क्या हो गया, दो कंट्रीज के बहुत बड़े कंपनीज आपस में डिस्प्यूट में आ गए, तो वो अपना डिस्प्यूट लेके कहाँ पे जाएंगे, यूडीआरपी के पास। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर डोमेन नेम्स को लेके कोई डिस्प्यूट कोई झगड़ा होता है, देन वी गो टू यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी, दैट इज द इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है ये, क्लियर है, ये पॉइंट है। अगर हम लोगों का इंडिया लेवल पे अगर डिस्प्यूट होता है, बराबर है, मतलब यहाँ पे ही कोई रजिस्ट्रार है और यहाँ पे ही कोई रीसेलर है और उन्होंने ही कोई दिया हुआ है, एंड वी हैव अ डिस्प्यूट एट इंडिया लेवल, देन वी गो टू INDRP, मतलब डॉट इन टाइप के डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। हम लोगों का कंट्री कोड क्या है, .IN इज आर कंट्री कोड, राइट, तो .IN टाइप के डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी या इंडिया लेवल पे इंडियन डोमेन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, इसके लिए हम लोग INDRP पे बचाएंगे, ठीक है। सो UDRP पे कब जाएंगे हम लोग, जब डोमेन डिस्प्यूट आपका इंटरनेशनल लेवल का होगा। यस yes? हाँ बोलो सर, सिद्धार्थ इज वेटिंग इन द लॉबी, कैन यू लेट हिम इन, या सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, इंडिया लेवल पे अगर डिस्प्यूट है देन वी हैव INDRP, एंड इफ अ डिस्प्यूट एट इंटरनेशनल वी हैव UDRP। UDRP स्टैंड्स फॉर ह्यूमन यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, एंड INDR दैट इज फॉर इंडियन डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, एंड द पैरेंट बॉडी इज ICANN, बराबर है। अब ICANN जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे किसको क्या डोमेन और उसके साथ में क्या IP एड्रेस असाइन करना है, ये सब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग होता है। अब ये सब ये खुद से नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, इट विल आस्क गवर्नमेंट लेवल, कंट्रीज गवर्नमेंट लेवल टू हैंडल द सेम पॉइंट्स। आई होप यहाँ पे मैंने जो भी कुछ अभी तक एक्सप्लेन किया है वो क्लियर है सबको। वी हैव ICANN, दैट इज इंटरनेशनल इंटरनेट कॉरपोरेशन या इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, विच लुक आफ्टर वर्ल्ड वाइड कौन से डोमेन नेम जनरेट हो रहा है और उसको क्या IP एड्रेस असाइन हो रहा है, और बाकी के जो भी टेक्निकल चीज़ें रहेंगे वो सब ये इंटरनेशनल बॉडी कंट्री लेवल पे वो परमिशन असाइन करता है, और वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो अपने एजेंसीज को देंगे, और वो एजेंसीज देन अपने कंट्री लेवल पे ग्राउंड लेवल पे रजिस्ट्रार्स डोमेन रजिस्ट्रार्स एंड रीसेलर्स को अपॉइंट करता है। और ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट या उनका एजेंसी वॉच करेगा और गवर्नमेंट्स अपडेट देंगे ICANN को।
ये पैटर्न फॉलो होगा। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे दो कंट्रीज के बीच में अगर डोमेन डिस्प्यूट होता है तो वो यूडीआरपी के पास जाएंगे, इंडिया लेवल पे अगर डिस्प्यूट होगा तो हम लोग आईएनडीआरपी के पास जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ विल गो बैक टू आर थियरी। सो देखो यहाँ पे अगर साइबर स्क्वाटर है तो हम लोगों ने क्या बोला, अगर किसी ने अगर ऐसा आपका डोमेन नेम, साइबर स्क्वाटर का मतलब आपका डोमेन नेम जो है वो उसने यूज़ किया है या उसने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, बराबर है ना, जिसमें से अभी आपको वो डोमेन या तो बहुत महंगा बेच रहा है या वो सिमिलर नाम का डोमेन रजिस्टर करके उसके ऊपर वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो यूएस में दे हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये एंटी साइबर स्क्वाटिंग का मतलब, अगर ऐसा कोई भी आपका डोमेन नेम के साथ में अगर ऐसा डिस्प्यूट होता है, जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि भवंस, तो भवंस कॉलेज डॉट ओ आर जी या डॉट ई डी यू, सपोज ये डोमेन अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, ये डोमेन रजिस्टर करके मैं उसके ऊपर कोई भी दूसरे पेजेस, वेब पेजेस डाल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके यूजर्स हैं, उनको डाइवर्ट कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे आईकैन ने ये अथॉरिटी दिया हुआ है, तो अगर ये इंटरनेशनल अगर यूनिवर्सिटी है तो वो आईकैन का यूडीआरपी के पास जाएगा, और अगर वो नेशनल है तो फिर वो कहाँ पे आएगा, आईएनडीआरपी के पास, यहाँ पे केस रजिस्टर होगा, ठीक है। नाउ आईकैन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रेडमार्क एक्सपर्ट्स कंसिडर आईकैन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन सिस्टम। सो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये आर्बिट्रेशन सिस्टम भी है, मतलब झगड़ा सॉल्व करने के लिए ये सेटलमेंट बॉडी है, इन शॉर्ट ये है, जो फास्टर है एंड लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बोल सकते हैं, वी हैव अ फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर किसी पे केस फाइल करना है यूएस में डोमेन नेम रिलेटेड, तो आप यूएस का एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्रोविजन यूज करेंगे आप, बराबर है, या फिर ये जो प्रोविजंस है ये अभी इंटरनेशनली बाकी सब कंट्रीज में भी अप्लाई हुआ है, मतलब आईकैन के अंडर ये जो आर्बिट्रेशन रूल है, ये जो एक्ट है, ये अप्लाई किया हुआ है, यूएस से स्टार्ट हुआ था, अभी सब जगह पे अप्लाइड है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन 1999 आईकैन अडॉप्टेड इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म डोमेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम डिस्प्यूट्स एट इंटरनेशनल लेवल। सो ये बेसिकली क्या कर रहा था कि कोई भी डोमेन्स अगर आएंगे, डिस्प्यूट अगर आएंगे तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, क्लियर है। सो अभी यहाँ पे क्या बोला है, द इंटरनेशनल पॉलिसी रिजल्ट्स इन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वहाँ पे आप डिस्प्यूट लेके आएंगे। नाउ नो नॉट लिटिगेशन एन एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय एनी पर्सन हु कंप्लेन्स रेफर्ड टू बाय आईकैन एज अ कंप्लेनेंट, मतलब जो कंप्लेन फाइल कर रहा है वो कंप्लेनेंट होगा। अ डोमेन नेम इज आइडेंटिकल कंफ्यूजिंगली सिमिलर टू अ ट्रेडमार्क और अ सर्विस मार्क जिसने कंप्लेन फाइल किया, नाउ रिमेंबर यहां पे एक वर्ड क्या बोला है, ट्रेडमार्क। अगर मेरा कोई कंपनी है, सपोज हम लोगों का एक क्लासेस है, अभी उसका नाम जो है वो एक्स वाई जी नाम है उसका, अभी कोई ये क्लासेस को पहचानता नहीं है, ठीक है, इसका कोई बड़ा रेप्यूटेशन नहीं है। अब जब भी मैंने ये स्टार्ट किया, उसके 6 months के बाद में अगर दूसरा कोई क्लासेस आ रहा है जो ये सेम नाम से अपना क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, लोगो जो है उसमें फर्क है, नाम सिमिलर है ऑलमोस्ट, तो अब मेरा यहाँ पे मार्केट में अभी तक रेप्यूटेशन ही नहीं हुआ है, गेटिंग, तो वो टाइम पे मैं यहाँ पे डिस्प्यूट के लिए जा ही नहीं सकता हूँ। डोमेन नेम अगर सिमिलर रहेगा तो एक बार हम लोग करेंगे, लेकिन इतना बड़ा केस नहीं हो सकता। ट्रेडमार्क का मतलब मुझे जो नाम कोई दूसरा यूज कर रहा है, जैसे भवंस है, सो आई से ईयरली बेस पे भवंस का, उसका ये जो डोमेन नेम, ये सॉरी उसका ये जो ट्रेडमार्क है दैट इज भवंस, इसके ऊपर ईयरली बेस पे उनका 50 crores का प्रॉफिट हो रहा है मिनिमम, इससे ज्यादा होगा अगर हम लोग 2-3 कॉलेजेस उनके कंबाइन करें तो मिनिमम इतना उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर इतना मिनिमम अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो ट्रेडमार्क बहुत काम का है, और उसको अगर कोई मिसयूज कर रहा है,
तो फिर वो कंप्लेन जाएगा। आपने अभी कोई स्टार्टअप चालू किया है जिसका मार्केट में अभी तक रेप्यूटेशन नहीं है, मार्केट में कोई पहचानता नहीं है, तो वो टाइम पे वो राम वो रेप्यूटेशन में चोरी करूं उसका सवाल ही नहीं आ रहा है। तो याद रखो, डिस्प्यूट्स जो होंगे वो नोन ट्रेडमार्क्स या नोन कोई पॉपुलर ब्रांड्स रहेंगे, कंपनीज रहेंगे, उनके रिलेटेड ही डिस्प्यूट आ सकते हैं। सो डोमेन नेम ओनर हैज नो राइट टू लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द डोमेन नेम। द डोमेन नेम हैज बीन रजिस्टर्ड एंड इज बीइंग यूज्ड इन अ बैड फेथ। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो डोमेन नेम जो है वो बंद हो जाएगा, बराबर है, और उसके अगेंस्ट केस भी होगा, पेनल्टी लगेगा उसको। और ये सारी चीजें है ना, अभी हम लोग कोर्ट में नहीं लेके जाते, इसके लिए हम लोगों ने आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म रखा हुआ है, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग कोर्ट में अगर जाने लगे तो डिस्प्यूट सॉल्व होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। टू सेटल द डिस्प्यूट एट अ फास्टर पेस हम लोग एक फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप रखते हैं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या होगा, वी हैव फ्यू एक्सपर्ट पैनल हियर, और ये जो एक्सपर्ट पैनल है ना वो बेसिकली काम करेंगे, हेल्प करेंगे डिस्प्यूट को फास्टर रिजॉल्व करने के लिए। रिटायर्ड जजेस होंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहेंगे, तो ये सारे लोग ये डिस्प्यूट सेटल करने में हेल्प करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स अगर आपको यहाँ से एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल वर्डिक्ट मिल जाता है, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्डिक्ट, तब फिर हम लोग जाएंगे कोर्ट में, जहाँ पे फिर आपका केस जो है वो सालों तक चल सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर मुझे केस फाइल करना है एज पर एंटी साइबर स्क्वॉटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये, इंडिया में भी हम लोग के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वैसे ही कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, साइबर स्क्वॉटिंग के लिए, जहां पे आपका ट्रेडमार्क, आपका आइडेंटिटी कोई यूज कर रहा है ऑनलाइन अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो ऑथोराइजेस अ ट्रेडमार्क ओनर टू फाइल अ केस ऑफ साइबर स्क्वॉटिंग इन फेडरल कोर्ट, मतलब यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस इज अ फेडरल कंट्री, हम लोग फेडरल नहीं, हम लोग क्वासी फेडरल है, क्वासी का मतलब फॉल्स फेडरल मैकेनिज्म है हम लोग का, यहाँ पे यूएस में ये फेडरल कोर्ट बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग के यहाँ पे यूनिटरी आर्किटेक्चर है, यूनिटरी आर्किटेक्चर मतलब सारे स्टेट जो है दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अगर हम लोगों का वॉरलाइक सिचुएशन अगर होता है विद चाइना और समवन, तो वो टाइम पे सारे स्टेट्स के जो भी पावर है वो सारे हट जाएंगे, एंड सारे पावर विल बी देयर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। फेडरल आर्किटेक्चर में क्या होता है, सारे जो स्टेट्स है, यूएस के स्टेट्स जो है वो अंडर एक अग्रीमेंट एक दूसरे के साथ में, एंड इफ दे फाइंड कि नहीं हम लोगों को यूएस के साथ में नहीं रहना है, ये वो अग्रीमेंट खत्म करके यूएस से अलग भी हो सकते हैं। इन इंडिया वी डोंट हैव एनी सच प्रोविजन और अ मैकेनिज्म अवेलेबल। सो अगर कोई एक स्टेट को अगर नहीं भी रहना है, जैसे आप देखो कि खालिस्तान इशू सालों से चल रहा है, सो अगर उनको अलग भी होना है या फिर नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट्स को अलग भी होना है, दैट प्रोविजन इज नॉट पॉसिबल। आप कोई बाउंड्री, कोई टेरिटरी को इंडिया के अंदर ला सकते हैं, इंडिया के बाहर किसी को भेजना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो ऐसे सिंपल वे में नहीं हो सकता, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट यूनिटरी आर्किटेक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल वन। नॉर्मल सिनारियों में हर एक स्टेट के पास अपने खुद के बेसिक अथॉरिटी होते हैं, लेकिन फिर भी डिफेंस, मिलिट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आपने कभी ऐसा सुना नहीं रहेगा कि महाराष्ट्र ने कोई एक्स वाई जी कंट्री के साथ में ऐसा कोई एक ट्रेड डील साइन किया, नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, वो स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है। सो हम लोग क्वासी फेडरल है, मतलब स्टेट्स के पास थोड़े बहुत ऑटोनॉमी हम लोगों ने दिया है, लेकिन मेन पावर जो है अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर फार्मिंग रिलेटेड, पानी रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इशू है, वो स्टेट गवर्नमेंट खुद से देख सकता है। नेशनल सिक्योरिटी है या ऐसा कोई मामला जब पिक्चर में आता है, तो वो अथॉरिटी या वो डिसीजन लेने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। फेडरल कोर्ट यूएस का होगा, बराबर है। ऑब्टेन अ कोर्ट ऑर्डर ट्रांसफरिंग डोमेन नेम बैक टू अ ट्रेड ओनर। तो फेडरल कोर्ट के पास आप यूएस में अगर जाएंगे तो ये काम होगा। अब यहाँ पे ये आपको अलग से कहीं पे मेंशन किया हुआ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको समझ में आएगा कि ओके, हम लोग यूएस का ही कहीं पे ना कहीं बात कर रहे हैं। फेडरल कोर्ट क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, एज यू कैन सीन
दिस पार्ट इन सम केसेस साइबर स्क्वाटर मस्ट पे मनी डैमेजेस इन ऑर्डर टू स्टॉप साइबर स्क्वाटिंग ट्रेडमार्क ओनर मस्ट प्रूव ऑल द फॉलोइंग लाइक अ डोमेन नेम जो भी रजिस्टर हुआ है वो बैड फेथ में हुआ है मतलब उसका इंटेंशन ही था कि मेरा रेपुटेशन यूज करके वो अपना प्रॉफिट कमाए या फिर मेरा लॉस करे वो देन ट्रेडमार्क वॉज डिस्टिंक्टिव एट अ टाइम डोमेन नेम वॉज फर्स्ट रजिस्टर्ड मतलब मैंने 2 साल पहले बिफोर 2 ईयर्स आई हैव रजिस्टर्ड दिस डोमेन नेम लेकिन अभी मैं वो डोमेन को ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ कर रहा हूँ और वो 2 साल में कोई कॉलेज आ गया जिसका नाम सेम जैसा मेरा डोमेन नेम है वैसा है तो अभी ये कॉलेज मेरे पे केस फाइल कर रहा है तो मैं प्रूव करूँगा कि भाई आपका कॉलेज जो आया उसके पहले से ही डोमेन नेम मेरे पास है सो डोमेन नेम आइडेंटिकल है कन्फ्यूजिंगली सिमिलर है अ ट्रेडमार्क क्वालिफाइज फॉर अ प्रोटेक्शन अंडर अ फेडरल ट्रेडमार्क लॉ That is trademark is distinctive and its owner was first to use the trademark in for any commerce work. Defense lawsuit file कर सकता है if the accused cyber squatter demonstrate that he had a reason to register a domain other than to sell it back to a trademark owner for a profit. मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सिर्फ वो डोमेन परचेस करके हायर वैल्यू पे ओनर को वापस सेल करने के लिए आपने नहीं किया था आपका एक्चुअल में कोई बिजनेस मोटिव था जो आप ये डोमेन नेम के थ्रू फुलफिल करने वाले थे अगर आप फुल वो प्रूव कर सकते हो तो फिर आप ये केस जीत जाओगे अदरवाइज जो भी फाइन है वो आपको लगेगा और डोमेन नेम रिटर्न करना पड़ेगा वो अलग देन आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज मेटा टैगिंग मेटा टैगिंग का मतलब क्या होता है बहुत सिंपल है हम लोगों ने गूगल का एग्जाम्पल देखा था मेटा टैग्स आता है जैसे यहाँ पे आपको दिया है देखो अगर मैं गूगल के ऊपर अगर कुछ सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ वी सर्च फर्स्ट वी गो टू गूगल नाउ ऑन गूगल इफ आई सर्च समथिंग सो क्या होगा वो देखते हैं सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इफ आई सर्च मेक माई ट्रिप और एल्स इफ वी सर्च समथिंग एल्स लाइक मैं यहाँ पे अगर होटल सर्च कर रहा हूँ होटल बुकिंग सो अभी वो होटल बुकिंग हम लोग सर्च कर रहे हैं या फिर मैं यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क ठीक है ये सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है वी हैव सो मेनी अम्यूजमेंट पार्क है ना और यहाँ पे उसके नाम आ रहे हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरे दूसरे ये देखो बुक माई शो है बुक माई शो से आई कैन बुक सम इफ समथिंग गोइंग ऑन एट दिस अम्यूजमेंट पार्क सो अब यहाँ पे आपको क्या दिया है ये देखो ये यहाँ पे आपको बुक माई शो ने क्या दिया है दिस आर द फ्रेम्स मेटा टैगिंग किया हुआ है मतलब मैं यहाँ पे इमेजिका पे क्लिक करूँगा इमेजिका पे मैं यहाँ पे बुकिंग कर रहा हूँ तो अब क्या होगा मेरा बुकिंग जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है इमेजिका थीम पार्क के लिए मेरा बुकिंग हो रहा है सो इफ आई क्लिक ऑन बुक मैं कोई एक डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ 10 AM ठीक है कंटिन्यू देन यहाँ पे अगर मैं रेगुलर टिकट एक्सप्रेस टिकट कौन सा है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इफ आई प्रोसीड तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है पेमेंट होगा मेरा अब ये जो भी पेमेंट हो रहा है उसमें पेमेंट मेरा फाइनली कहाँ से हो रहा है बुक माई शो से लेकिन पेमेंट मिलेगा किसको इमेजिका को मिलेगा और थोड़े कुछ जो चार्जेस है थोड़े कुछ जो प्रॉफिट है वो किसको जाएगा बुक माई शो को जाएगा राइट दैट्स फर्स्ट थिंग अब इफ यू नोटिस हियर ये देखो ये एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम दूसरे कोई अम्यूजमेंट पार्क है ये आपको दिख रहा है ये गूगल आपको बता रहा है अब ये जो गूगल बता रहा है उसके साथ में आपको कहीं ना कहीं दूसरे अम्यूजमेंट पार्क के भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं लिंक्स आ रहे हैं और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा जैसे अगर मैं वॉल्ट डिज्नी पे क्लिक कर रहा हूँ सो ये आपको अलग से उसके अलग अलग ऑप्शंस दे रहा है उसका विकिपीडिया आएगा आप कहाँ से उसके कुछ वीडियोस कुछ आर्टिकल्स कुछ न्यूज़ है कुछ ट्वीट्स है वो आएंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है उसका वेबसाइट जहाँ से आप अपना एक ट्रिप यहाँ से बुक कर सकते हो है ना सो यहाँ से एज यू कैन सी यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रिप बुक कर सकते हो फिलहाल के लिए बिकॉज ऑफ कोविड दिस इज़ क्लोज्ड या फिर अगर यहाँ पे अगर अवेलेबल रहेगा तो आप यहाँ से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिया है चेक इन चेकआउट कब होगा कितने लोग हैं वो सारे ऑप्शंस दिए आपको अब ये वाला एग्जांपल याद रखो नाउ विल अगेन गो बैक टू आर नोट्स सो नोट्स में क्या दिया है वी हैव वन एग्जांपल जहाँ पे हम लोग के पास एक कंपनी है दैट इज़ अ प्लेबॉय
एंड नेक्स्ट क्या है, नेटस्केप है. नेटस्केप वॉज लाइक अ गूगल सर्च इंजिन इटसेल्फ. नाउ नेटस्केप डिफेंडेंट है, मतलब इसके ऊपर केस हुआ है. ये क्या है, सर्च इंजिन है. नेटस्केप यूटिलाइज टू प्रैक्टिस कॉल कीइंग दैट अलाउड एडवर्टाइजर्स टू लिंक देयर एड्स. जैसे गूगल के ऊपर आपको सर्च करते हो तो स्टार्टिंग में एड्स आते हैं ना, तो आपको एक स्पेसिफिक टर्म जब सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. सो नेटस्केप मेंटेन लिस्ट ऑफ टर्म्स टू बी लिंक्ड और कीड, जिसके बेस के ऊपर वो आपको एड्स बताएगा. जैसे अगर मैं अम्यूजमेंट पार्क सर्च कर रहा हूँ, इमेजिका ने अगर एड दिया रहेगा तो सबसे पहला लिंक जो आएगा वो इमेजिका का आएगा. सो नेटस्केप लिस्ट कंटेन टर्म्स रिलेट टर्म्स ट्रेडमार्क. अब यहाँ पे क्या है, प्ले बॉय है. अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्ले बॉय कौन है, प्लेंटिफ है, जिसने केस फाइल किया है नेटस्केप पे. नाउ दिस टर्म इंक्लूड प्ले बॉय और प्लेमेट, बराबर है. सो नेटस्केप पे जब कभी अगर मैं ये वाले वर्ड्स अगर सर्च करूंगा तो क्या हो रहा है, एक अडल्ट ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट जो है वो लिंक हो रहा है. नाउ इफ अ यूजर सर्च फॉर अ प्ले बॉय और प्ले मैट, दिस एड्स एडल्ट एड्स जो है अपियर ऑन द सर्च रिजल्ट पेज. जैसे गूगल पे पहले एड्स आते हैं वैसा. तो इसके लिए जो नेटस्केप के ऊपर केस फाइल हुआ है, किसने किया है, प्ले बॉय ने किया है. दैट आपने कोई ऐसे कीवर्ड्स और उसके ऊपर आप एड्स दे रहे हो जिससे आप अपना प्रॉफिट कमा रहे, जो मेरा ट्रेडमार्क है. नाउ प्ले बॉय इज माई ट्रेडमार्क, प्ले ये जो कंपनी है वो ये बोल रहा है, ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट यहां पे क्या है, सो एविडेंस दैट द एड्स लिंक्ड टू दिस मार्क वर ऑफन ग्राफिक्स इन नेचर एंड वर कंफ्यूजिंगली लेबल्ड. Netscape argue among other defenses that it is made a normative use of public enterprise. उनका जो है मार्क है वो ट्रायल कोर्ट ग्रांटेड अ समरी जजमेंट इन फेवर ऑफ अ नेटस्केप. मतलब जैसा गूगल आपको एडवर्टाइजमेंट बताता है और फिर आप वो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑफिशियल पेरेंट वेबसाइट पे ही लेके जा रहा है. तो एग्जैक्टली सेम वे नेटस्केप भी एडवर्टाइजमेंट बता रहा था और एट दी एंड जब अगर आप क्लिक करेंगे तो वो प्लेबॉय के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको लैंड करा रहा था. तो अगर मेरा वेबसाइट का एक लिंक अगर गूगल पे आ रहा है तो मैं गूगल के ऊपर कॉपीराइट वायलेशन का कोई केस फाइल नहीं कर सकता. सेम ये केस है. नाउ लेजिस्लेटिव एंड अदर इनोवेटिव मूव अगेंस्ट साइबर स्क्वाटिंग क्या है, साइबर स्क्वाटिंग क्या है, हम लोगों ने समझ लिया, बराबर है. उसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोगों को देखना है साइबर स्क्वाटिंग के, वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स साइबर स्क्वाटिंग. यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, साइबर स्क्वाटिंग जहाँ पे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, आप किसी का डोमेन नेम जो है वो आप अपने नाम पे यूज करते हो. और यहाँ पे क्या बोला है, यूएस में देयर अ फेडरल लॉ इन यूएस दैट इज नोन एज एंटी साइबर स्क्वाटिंग प्रोटेक्शन एक्ट. एग्जाम्पल्स अगर देखें हम लोग उसके, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ बताएंगे. एग्जाम्पल्स सो एज यू कैन सी वी हैव हॉटमेल. सो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको हॉटमेल का उन्होंने कैसे मिसयूज किया हुआ है. डेल तो DELL है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, और LL ऐड कर दिया. देन ये सेम अगर आप देखेंगे, एक केस हुआ था जिसमें साइबर स्क्वाटिंग में क्या हुआ, समवन हैज रजिस्टर्ड. अब मेरा एक डोमेन नेम है ICICI.com या बैंक जो भी है. अब यहाँ पे देखो ये ICICI है, बराबर है. इफ आई रजिस्टर अ डोमेन विथ नेम ICICI.com और ICICII.com, तो इससे क्या होगा, ये ICICI बैंक का पेज के जगह पे हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं. और ये रियल हुआ है जहाँ पे किसी ने ऐसे दो वेब पेजेस बनाए जिसके अंदर आपका ऐसे कुछ ऑप्शंस थे. आप जब इस पे जाएंगे तो आपको ऑफिशियल ICICI बैंक का जो होम पेज दिखता है वैसा ही होम पेज दिखेगा. आपको वहाँ पे लॉगिन मिलेंगे. व्हेन यू लॉगिन तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जो भी लॉगिन कैरेक्टर्स है वो रिकॉर्ड होंगे, दैट इज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बराबर है. और वो फिर जो जो पर्सन ने ये वेबसाइट ये वेब पेजेस बनाए थे वो उनके पास जाएंगे, वो सेम वो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करेंगे और आपके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में किधर ट्रांसफ़र करके वापस और कहीं पर घुमा के कहाँ चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा. ये रियल केस हुआ है. तो अभी अगर मैं ट्राई करूँ कि ये सिमिलर टाइप के डोमेन्स अवेलेबल है क्या, तो मोस्टली तो आपको ये अवेलेबल नहीं मिलने चाहिए क्योंकि ऐसा केस ऑलरेडी हुआ है. तो इफ आई गो टू गोडैडी, ठीक है, एंड इफ आई सर्च फॉर अ डोमेन ICICI.com,
सो क्या बताएगा, देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स टेकन ही आना चाहिए है ना, क्योंकि पहले ऑलरेडी उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, और एल्स इफ आई से ICICII.com, क्योंकि हम लोग जब कभी कभी फास्ट ट्राई करते हैं तो ये कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे ये अवेलेबल है, अब मैं अगर सर्च करूँ ICICI बैंक तो इसका डोमेन क्या है, इसका लॉगिन क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है ICICIBank.com, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं वापस ये वाला डोमेन जो है वो अगर अवेलेबल है मुझे गलती से अगर वापस मिल गया ये, तो अब मैं क्या करूँगा, ये डोमेन रजिस्टर करूँगा, आई विल गो टू दिस पर्सनल बैंकिंग वाला पेज, यहाँ से इसका मैं सोर्स कोड ले लूँगा है ना, यहाँ पे आपको देखो आ रहा है इंस्पेक्ट, आपको व्यू इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, मेनली क्या क्या चीज़ है, बस इसका डमी बनाना है मुझे, पूरा कुछ नहीं करना है, और उसके बाद में उसका लॉगिन मैं प्रोवाइड करूँगा। सो जहाँ से आप लॉगिन कर रहे हो उसका डिटेल आ जाएगा है ना, और उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है, और वही सेम प्रॉब्लम हुआ भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, साइबर स्क्वाटिंग मेजर थ्रेट है साइबर वर्ल्ड में। सो इसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अपने अलग अलग लॉ रूल्स बनाते हैं ये साइबर स्क्वाटिंग अटकाने के लिए, जैसे US में एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज NASSCOM, क्या बोल रहे हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी हैज़ रिकमेंडेड कॉपीराइट एक्ट, कि भाई ऐसा कॉपीराइट एक्ट होना चाहिए जहाँ पे आप किसी का मूवी सॉफ्टवेयर सॉन्ग उसके परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते, एंड उसमें साइबर स्क्वाटिंग शुड ऑल्सो बी एन ऑफेंस, ये हम लोग बता रहे हैं। तो उसके बेस के ऊपर आप देखो, वी हैव एंटी साइबर स्क्वाटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट US में है, क्या बोल रहा है, इट अमेंडेड सेक्शन 43 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, मतलब हम लोगों ने क्या बोला, डोमेन नेम इज ऑल्सो अ ट्रेडमार्क। सो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी का ट्रेडमार्क फॉर बैड फेथ, मतलब अपने बेनिफिट के लिए या उसका नुकसान करने के लिए, इफ यू हैव रजिस्टर्ड इट उसको, या फिर आपने उसको रजिस्टर करके जो ओनर है ट्रेडमार्क का उसके पास से आपने अगर रैंसम डिमांड किया, वसूली किया, तो आइडेंटिकली सिमिलर है, डिस्टिंक्टिव मार्क है या कंफ्यूजिंगली सिमिलर है, तो वो टाइम पे हम लोग उसको क्राइम ही कंसिडर करेंगे, साइबर स्क्वाटिंग कंसिडर करेंगे, और वो टाइम पे जो भी पनिशमेंट है वो आपको होंगे। सो प्लेंटिफ कैन फाइल अ केस फॉर अ डैमेज बिटवीन $1,000 to $1,00,000, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, गेटिंग। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कि ये अभी अमाउंट में रेंडमली कोई भी अमाउंट में एंटर नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस को बिकॉज ऑफ दिस साइबर स्क्वाटिंग अगर मैं बोल रहा हूँ कि $10,000 का अगर लॉस हुआ है तो मैं केस जो फाइल करूंगा वो $10,000 का ही कर सकता हूँ, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 1,00,000 है, मतलब हर कोई उठ के $1,00,000 का केस फाइल नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक प्रॉपर आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि आप कितना डैमेज डिमांड कर रहे हैं, और उतना आपको हुआ है ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइल दैट मच कंपेंसेशन। नेक्स्ट वी हैव आईकैन, मैंने आपको बता दिया आईकैन हैज इंट्रोड्यूस 7 डोमेन एक्सटेंशन, अलग अलग है, .biz बिजनेस कॉरपोरेशन के लिए प्रो है, नेम है, इन्फो है, म्यूजियम है, बहुत सारे। द कंसेप्ट ऑफ सनराइज होल्डर इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ट्रेडमार्क होल्डर्स आर अलाउड टू रजिस्टर द डोमेन नेम फॉर द फर्स्ट मंथ, एंड आफ्टर दैट ओनली एक्सटेंशन फॉर अ जनरल पब्लिक वुड बी ओपन। फॉर एग्जाम्पल फॉर बिज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ IP क्लेम वेर एनी ट्रेडमार्क ओनर कैन फाइल एन IP क्लेम फॉर अ ट्रेडमार्क बाई गिविंग अ रेलिवेंट रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स। सो यहाँ पे वो बेसिक दिया हुआ है, और उसके बाद UDRP वो क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ उसके आगे आपके पास क्या है, स्टार्टअप स्टॉप है। नाउ यहाँ पे क्या बोला, इफ एट द सेम टाइम टू और मोर एप्लीकेशन आर फाइल्ड देन रजिस्ट्रार वुड पुल इन ऑल एप्लीकेशन एंड रेंडमली सिलेक्ट द रजिस्ट्रेंट, मतलब एक साथ कोई एक सिमिलर डोमेन नेम के लिए अगर दो लोग अगर अप्रोच कर रहे हैं, दोनों के पास अगर सिमिलर कोई ना कोई बिजनेस है, तो अभी दोनों को हम लोग सेम ट्रेडमार्क नहीं दे सकते, तो वो टाइम पे हम लोग रेंडमली फिर क्या होगा, किसी एक को सिलेक्ट करके उसको वो ट्रेडमार्क या उसको वो डोमेन प्रोवाइड कर देंगे। सो आफ्टर दिस ओनली द अग्रीव्ड पार्टी मे रिजॉर्ट टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्टॉप, मतलब स्टार्टअप ट्रेडमार्क अपोजिशन पॉलिसी। जैसे अगर मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मेरे जैसे ही और किसी ने भी स्टार्टअप किया, तो अब दोनों का ट्रेडमार्क जो है या दोनों का डोमेन जो है वो कन्फ्यूजिंगली सेम आ गया, बाई चांस सेम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी हैव अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोग स्टॉप फॉलो करेंगे। स्टार्टअप नया कंपनी चालू हुआ है जिसका ट्रेडमार्क जो है उसको हम लोग अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आपका और मेरा ट्रेडमार्क ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो अभी क्या होगा,
दोनों को लॉस होगा या दोनों का बिजनेस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। सो वो टाइम पे हम लोग फिर यहाँ पे स्टॉप फॉलो करेंगे, जहाँ पे दोनों को फिर हम लोग कहीं ना कहीं डोमेन नेम या अपना जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए कन्विंस करेंगे। सो दोनों का जो वे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा वो वे में फिर काम चलेगा आगे। सो अंडर दिस प्रोसेस डोमेन नेम इज फ्रीज फॉर अ मंथ, कोई यूज़ नहीं कर पाएगा डोमेन नेम जब तक सेटल नहीं होता, डिसाइड नहीं होता कि किसको डोमेन नेम मिलना चाहिए और आप कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कहाँ पे क्या यूज़ नहीं करेंगे, कॉमन रूल नहीं बनते तब तक कहीं पे हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। और अब देखो UDRP जो है उसके पास बहुत ज़्यादा ये बर्डन आ जाता है, मतलब आपको जाके UDRP के पास प्रूफ करना पड़ेगा कि जो डोमेन नेम आपने रजिस्टर किया है वो रॉन्ग इंटेंशन से किया है। अगर आप वो प्रूफ नहीं कर सकते तो वो डोमेन नेम जो है वो आपके को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फ्रीडम बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल ओवर द इंटरनेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन से रहते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस। सो अभी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है साइबर वर्ल्ड में बहुत सारे जगह पे आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है और इसका मिसयूज भी हो रहा है, वायलेशन भी हो रहा है। सो इसका फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, द इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस, स्टोर, कॉपी एंड ट्रांसमिट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, इंटरनेट शुड बी फ्री फ्रॉम रिजिम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन यह ऐसा नहीं हो सकता, किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल मैं फ्री में यूज करूँ ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑन द अदर हैंड इंटरनेट इज नॉट जस्ट अनदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंटरैक्शन बट इट इज फॉर अ बिजनेस एज वेल, और बिजनेस फ्री में नहीं चलता है। हैंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुड बी अप्लाइड एज इट डज इन द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल, कि अगर मेरा कोई आइडिया है, मेरा कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका कॉपी बेच नहीं सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। एग्जैक्टली सेम वे वर्चुअल वर्ल्ड में भी ये सेम सिनारियोज अप्लाई होने चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, वी हैव नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इज रेज्ड इन अ करंट सिनारियो। इंटरनेट टूडे इज नॉट जस्ट अ मोड ऑफ इंटरेक्शन और अ सोर्स ऑफ इन्फो बट इट ऑल्सो अ मार्केट विच इज ग्रोइंग फिनोमिनली। और ये जो मार्केट बढ़ रहा है, जिनके पास ज्यादा डेटा है ना, हम लोग बोलते हैं डेटा इज द न्यू नॉर्मल। आपके पास जितना ज्यादा डेटा है उसका वैल्यू आपका आपके लिए बहुत ज्यादा होगा, और समटाइम्स उसी को यूज करके लोग अपना बिजनेस को बड़ा भी बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल कि डेटा को हम लोग कैसे यूज करते हैं या फिर आप उसको एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव एग्जाम्पल ऑफ दिस अनअकैडमी। अब इन स्टार्टिंग दिस इज स्टार्टेड एज अ फ्री एजुकेशनल पोर्टल इटसेल्फ। ठीक है, इन टुडेज टाइम इट इज कंपेयरिंग इटसेल्फ विद बाइजू। मतलब ये देखो, ये उनका पेड सर्विस ही सबसे ज्यादा है। स्टार्टिंग में इट स्टार्टेड बाय जस्ट अ फ्री प्लेटफॉर्म, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बहुत सारे लोग इस पे ज्वाइन होते गए, दे गोट सो मच डेटा और उससे उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स मिल गए, एंड नाउ दे बिकेम अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि आप जब डेटा आपके पास आता है तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। सेम थिंग हैपन विद internet.org प्रोजेक्ट। सो internet.org प्रोजेक्ट है। अब यहां पे क्या था, ऑफ फेसबुक, ये सेम इंडिया में इसने स्टार्ट करने का ट्राई किया था। सो अब क्या हुआ, फेसबुक का ये ग्रैंड प्लान था जिसपे वो बहुत सारे लोगों को बोलने वाले थे कि ओके आप अपना जो कोर्सेस है वो आप यहाँ पे बताओ। ये देखो यहाँ पे आपको बताया कि हम लोग यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में देर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट या टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज वो सर्टन चीजें जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको हम लोग सबसे पहले तो फेसबुक ने बोला कि दिस नॉट गोइंग टू बी एनी कमर्शियल वेबसाइट, यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारे चीजें पे वर्कआउट करेंगे। इनका टाइप हुआ देन जियो के साथ में, है ना। ये देखो ये उनका मेन मोटिव था कि ऐसे रूरल एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट्स को या जो वहाँ के जो लोग हैं उनको स्किल एनहांसमेंट, पहला तो स्किल एनहांसमेंट मतलब मुझे बेटर जॉब मिल सके या फिर एजुकेशन, मैं कुछ एक्स्ट्रा सीख सकूँ जो मेट्रो एरियाज में स्टूडेंट सीखते हैं विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ऐसे कोई कोर्सेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाले थे, लेकिन अगेन एक पॉइंट आ गया
internet.org, रिलायंस का अगर आपके पास सिम कार्ड है तो आपका, आपके पास अगर डेटा नहीं भी है तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डेटा पैकेज आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के कोई डेटा चार्जेस नहीं लगेंगे। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड, फेसबुक ने अभी कमिट किया था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने वाला है, एग्जैक्टली लाइक समथिंग प्रीवियसली हाउ अन अकेडमी एडवर्टाइज इटसेल्फ बाई कनेक्टिंग मैनी पीपल ऑन देयर स्टेटिंग इट्स गोइंग टू बी अ फ्री प्लेटफॉर्म। मतलब जो जो पर्सन ने ये स्टार्ट किया था, ही यूज टू बी एन एक्स आई एस ऑफिसर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो रोमन सैनी है, सो उसने स्टार्टिंग में, देन ही स्टार्टेड विद दिस, ही स्टार्टेड विद द यूट्यूब चैनल, जहाँ पे ही वॉज लाइक कि आई विल बी स्टार्टिंग अ फ्री बिजनेस, अ फ्री एजुकेशनल पोर्टल, कि हर किसी को रूरल एरियाज में भी हम लोग प्रॉपरली जो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। बट धीरे धीरे अभी फ्री कंटेंट जो है वो यहाँ पे लिमिटेड हो गया और आपके पेड कंटेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ गए। सो अगर आपको कुछ भी अगर कोर्स सीखना है और क्वालिटी चीज़ें अगर रिक्वायर्ड है तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी सपोज टू सब्सक्राइब टू यूडेमी प्लस कोर्सेस। सो वो क्या हो गया, अगेन अब पेड हो गया। तो अगर सेम चीज़ अगर फेसबुक ने भी किया होता था तो हम लोग वो टाइम भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि फेसबुक के पास सारा कंट्रोल है, ये जो भी वेबसाइट्स है उनका, जो भी कंटेंट उनके पास रहेंगे उसका। एग्जैक्टली सेम वे जैसे अगर कोई कंटेंट मेरे यहाँ पे है तो अभी मेरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ये कंटेंट उनके पास चले गए, गेटिंग। सो अभी वो उसको कैसे भी वे में यूज कर सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे फेसबुक का चल रहा था, उसने चलो बोल दिया कि वो आगे उसको कमर्शियल कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर दिया तो क्या। और दूसरी बात कि नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट आ गया, गेटिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग को क्या बोला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यही सेम है कि हम लोग इंटरनेट यूजर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग उनके जो डेटा है वो यूज करते हैं या बहुत बार वो मिसयूज भी करते हैं। सो यहाँ पे एज यू कैन सी द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज रेज्ड इन अ करंट सिनेरियो, इंटरनेट टुडे इज नॉट द मोड ऑफ इंटरेक्शन और सोर्स ऑफ इन्फो बट ऑल्सो मार्केट एंड इंटरनेट इज ग्रोइंग कमर्शियली। सो आपके पास जितना ज़्यादा डेटा है उतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे, आप वो सेम स्पॉन्सर्स इन्वेस्टर्स को लेके अपना प्रॉफिट, अपना बिजनेस और बड़ा बना सकते हैं। सो द कॉपीराइट एक्ट 1957 इज अप्लाइड टू फिजिकल एंड साइबर वर्ल्ड। इन आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 43 टेक केयर ऑफ एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। अब वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप अगर कोई कौन से डेटा अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर से दूसरे किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, या आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, गेटिंग। और ये आप कर ही नहीं सकते आज के टाइम पे, अगर एक कोई चीज़ अगर इंटरनेट पे चले गया तो वहां से उसको वापस बाहर लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लाइक हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ निर्भया केस, ठीक है। अब ये निर्भया केस का एक डॉक्यूमेंट्री बना था, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्री था इट वाज बाय बीबीसी, ये गवर्नमेंट ने वही टाइम पे बैन किया था। अब देखो अगर मैं यूट्यूब पे जाके इफ आई जस्ट पोस्ट द सेम थिंग, आपको आज भी ये डॉक्यूमेंट्री मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये डॉक्यूमेंट्री आज भी मिलेंगे। और गवर्नमेंट ने वो टाइम पे बैन क्यों किया था, बिकॉज ये देखो ये कहीं ना कहीं ये जो है ना रेपिस्ट जो थे वहां पे, जो जो मेन जिनको फांसी होने वाला था, उनका ये इंटरव्यू लिया है, उनके घर का इंटरव्यू लिया है। सो बीबीसी वॉज ट्राइंग टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन कि जहाँ पे दे ट्राई टू प्रूव कि जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कौन से सोसाइटी से आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया। सो उससे इंडिया का इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाला था। और वो टाइम पे क्या हुआ कि अपना जो पार्लियामेंट था वहाँ पे इमीडिएटली हम लोग एक ऑर्डिनेंस लेके आया जहाँ पे हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री बैन कर दिया। और वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम बीबीसी ने वो ऑर्डर उनको मॉर्निंग में मिलने वाले थे और रात को ही उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया। तो आज भी आपको कहीं ना कहीं इसके छोटे मोटे टुकड़े इंटरनेशनल मीडिया में देखो कहीं ना कहीं ये मिलते ही रहेगा, और इसका कंप्लीट वीडियो भी अगर आप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा।
ये क्या है बेसिकली कि एक बार अगर ये YouTube पे चले गया तो YouTube पे नहीं तो अगर मैं Google पे अगर ये सेम अगर सर्च करूंगा ना तो Google पे भी मुझे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ Google पे सर्च करूंगा तो ये देखो ये वीडियो जो है ये कंप्लीट वीडियो कहीं ना कहीं मुझे ये मिल जाएगा। और इंडिया टुडे में ये देखो ये आर्टिकल भी दिया हुआ है राइट टू बैन। अब ये हम लोगों का IPR का इशू है। इंडिया टुडे 2015 में ये डॉक्यूमेंट्री के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था। दिल्ली रेपिस से विक्टिम शुडेंट हैव अ फॉट बैक। सो यहाँ पे ये राइट टू बैन क्या है, मतलब अगर इंडिया का इमेज अगर इंटरनेशनल लेवल पे या कोई भी कंट्री का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे आप एक पर्सपेक्टिव बता के अगर खराब करने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे इन वर्ल्ड मैनी प्लेसेस पीपल से इंडिया और दिल्ली इज अ रेप कैपिटल, या समटाइम्स दे क्रिएट एन इमेज लाइक कि इन इंडिया विमेन्स और गर्ल्स आर नॉट सेफ। तो अगर ऐसा डॉक्यूमेंट्री अगर वापस इंटरनेट पे आ रहा है, मतलब क्या है कि आप सेम चीज़ें वापस प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विमेन्स जो है वो सेफ नहीं है, तो वो बचाने के लिए इंडिया ने बैन किया। लेकिन क्या हुआ, तब तक बीबीसी ने ऑनलाइन ये आर्टिकल ये जो वीडियो है ये पोस्ट कर दिया था और आज तक हम लोग उसको नीचे नहीं ले आ पाए। आपको कहीं ना कहीं अभी भी मिल ही जाएगा। एंड वी ऑल नो कहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं ऐसे वीडियोज़ के लिए। सो वही है, कॉपीराइट एक्ट 1957 इज अप्लाइड टू फिजिकल एंड साइबर वर्ल्ड, जहाँ पे सेक्शन 43 है, जहाँ पे आप कोई एक चीज़ डाउनलोड कॉपी एक्सट्रैक्ट ये नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। लेकिन एक बार कंटेंट अगर ऑनलाइन चले जाए उसके बाद उसको आप बैन नहीं कर सकते, वापस डाउन नहीं कर सकते। और किसने ये अपलोड किया है ये फाइंड आउट करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो किसके ऊपर आप कंपेंसेशन चार्जेस लगाएंगे। और दूसरी बात, कॉपीराइट वायलेशन अंडर सेक्शन 43B जो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, मैक्सिमम आप जो कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हो कितना है, 1 करोड़ सेक्शन 43 के अंदर है। अगर हम लोग 60s के जो हम लोग के सेक्शन है 66 एंड 67 उसके बेस के ऊपर अगर देखेंगे तो वहां पे तो कंपेंसेशन अमाउंट जो है वो 3 से 5 लाख के बीच में ही है। आई होप आपको प्रीवियस जो हम लोग के IPR के टेबल्स है वो याद रहेंगे, नहीं याद है तो जाके एक बार देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज वर्क इन विच सब्सिस्ट एंड मीनिंग ऑफ द कॉपीराइट। क्या होगा कॉपीराइट, किसके किसके ऊपर अप्लाई होगा। सो कॉपीराइट कैन बी अप्लाइड ऑन लिटरेरी वर्क, जैसे कोई पेंटिंग है, ड्रामा है, म्यूजिक है, कोई आर्टिस्ट का कोई काम है या मूवीज है, ये सबके ऊपर नॉवल लिखा है, सो दैट नॉवल या बुक कोई ऑथर है तो वो भी क्या होगा, ये ओरिजिनल वर्क में आएगा, वो कॉपीराइट एक्ट के में आएगा। तो कॉपीराइट क्या बोला, इन केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया और वेयर द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ऑथर इज एट द डेट ऑफ सच पब्लिकेशन, और इन केस वेयर द ऑथर वॉज डेड एट द डेट टाइम एट द। अब यहाँ पे हम लोग क्या बताने का ट्राई कर रहे हैं बेसिकली कि ये जो कॉपीराइट्स है ना मूवीज के या साउंड के या लिटरेरी वर्क के, ये ऑथर के पास जो पर्सन होता है जो डेट पे आपने उसको पब्लिश किया तब से लेके जो ऑथर का लाइफ टाइम है और उसके बाद एक सर्टन स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक उसके जो फैमिली मेंबर्स या जिसको उसका प्रॉपर्टी इनहेरिट हुआ है, जैसे अगर घर है तो हम लोग घर जिसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे माँ बाप का घर किसी को मिला है तो उनको वो आगे परमिशंस मिलेंगे, उनको वो आगे अथॉरिटी मिलेगा, तो उसमें से वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, गेटिंग। सो वो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड हम लोगों ने यहाँ पे सर्टन केसेस देखे थे कि जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम केसेस, जहाँ पे आप देखो कि चेतन भगत है। सो चेतन भगत का नॉवल, चेतन भगत कॉपीराइट इश्यूज कौन से थे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, चेतन भगत इंजेक्टेड कि यहाँ पे पिलग्रिमिज्म हुआ है, मतलब उसके उसके यहाँ पे जो सर्टन कुछ ड्राइंग्स या कुछ सर्टन जो आर्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं उन्होंने मिसयूज किए, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 इडियट के टाइम पे वो इशू हुआ था, 3 इडियट के टाइम पे वो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो वो अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे इशूज मिलेंगे। देन नॉवल पे से हम लोगों ने मूवी बना दिया, तो नॉवेल का आपने कितना पार्ट यूज़ किया, मिसयूज़ किया, बिना परमिशन यूज़ किया, वो सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या बोला है, इन केस ऑफ अ पब्लिश्ड वर्क, वो इंडिया में हुआ है, बाहर हुआ है, वो पर्सन अगर डेड है जिसने ये बनाया था, जैसे
आप देखो कि हम लोगों के बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है या नहीं भी पॉपुलर है, तो भी अगर एक बार वो बन गए उसके बाद में वो सॉन्ग्स है, फॉर एग्जाम्पल जो किशोर कुमार है, तो अभी उसके जो भी सॉन्ग्स है उसके डेथ के बाद में उसका जो बेटा है उनके पास उसके कॉपीराइट्स रहेंगे, गेटिंग? सो जब तक अभी वो है उनके पास उसके कॉपीराइट्स है, आगे फिर वो आगे ट्रांसफर होंगे तो उसका प्रोसीजर चलेगा। सो इन केस ऑफ अनपब्लिश्ड वर्क, अब ये पब्लिश्ड वर्क के ऊपर कॉपीराइट अप्लाई होता है, तो अनपब्लिश्ड वर्क मतलब कोई एक म्यूजिक कंपोजर ने कोई एक ट्यून कंपोज किया हुआ है लेकिन उसने अभी तक उसको पब्लिक में लाया नहीं है। सो डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द वर्क अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डोमिसाइल ऑफ इंडिया, तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर वो वर्क आपका अनपब्लिश्ड था लेकिन वो कौन से लोकेशन पे आपका कॉपीराइट रूल अप्लाई होंगे, तो अगर आपने वो अगर इंडिया में बनाया था वो टाइम पे, आप अगर इंडिया में रहते थे इंडियन सिटीजन थे तो इंडिया का कॉपीराइट एक्ट अप्लाई होगा, आप अगर यूएस में रह रहे थे तो यूएस का कॉपीराइट एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है? सो कहाँ का कॉपीराइट एक्ट अप्लाई होगा वो हम लोग बता रहे हैं। तो जब आपने पब्लिश किया वो वर्क अगर इंडिया में फर्स्ट पब्लिश हुआ है और आप इंडिया में अगर सिटीजन थे, देन इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, उसके प्रोविजन उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अनपब्लिश भी है लेकिन जब भी आपने बनाया वो टाइम पे अगर आप इंडिया में थे तो फिर वो इंडिया का ही रूल्स अप्लाई होंगे। सो इन केस ऑफ अ कॉपीराइट एक्ट दैट कॉपीराइट वुड नॉट सब्सिस्ट, यहाँ पे क्या बोला, इन केस ऑफ सिनेमा इफ अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अ फिल्म इज एन इंफ्रेंगमेंट ऑफ अ कॉपीराइट इन एनी अदर वर्क, लाइक कोई एक ड्रामा है उसके बेस के ऊपर आपने मूवी बनाया, कोई नॉवेल है उसके बेस के ऊपर आपने मूवी बनाया, या कोई पुराने कोई स्टोरीज है उसके बेस के ऊपर आपने मूवी बनाया, तो वो टाइम पे कॉपीराइट रूल्स इंफ्रेंगमेंट होंगे। अब लोकगीत होते हैं, सालों से हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो कहीं ना कहीं बोलते आ रहे हैं और वो जनरेशन से चल रहे हैं, तो अब ये किसको बिलोंग कर रही है किसी को पता नहीं है, कोई भी आके क्लेम नहीं कर सकता कि ये स्टोरी या ये सॉन्ग मेरे, तो वो टाइम पे आपको गवर्नमेंट के पास इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो जहाँ के आपके सॉन्ग्स या वो जहाँ के भी आपके पार्ट है वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाके आप ऐसे अग्रीमेंट्स जो है वो साइन करेंगे, ठीक है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो एज इट इज गिवन हियर एज वेल द लिटररी वर्क इंक्लूड्स कंप्यूटर प्रोग्राम टेबल्स कंपाइलेशन कंप्यूटर डेटाबेस, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होगा। नाउ टू लेवल्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर व्हेन हाई लेवल लैंग्वेज, तो अब देखो अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाए तो उसके ऊपर कॉपीराइट्स होंगे, अब वो कॉपीराइट्स जो है वो दो लेवल पे अप्लाई होंगे। मैंने अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया तो उसका सोर्स कोड होगा और उसका ऑब्जेक्ट कोड होगा। सोर्स कोड मतलब जो हम लोगों ने जावा में कोड लिखा है तो वो जावा कोड, ऑब्जेक्ट कोड मतलब उसको कंपाइल करने के बाद में उसका एक डॉट क्लास फाइल बना, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना, उसके ऊपर भी सेम कॉपीराइट्स अप्लाई होंगे। तो यू कैन नॉट से कि मैंने डायरेक्टली आपका जो कोड है या आपका सॉफ्टवेयर है वो यूज नहीं किया है, लेकिन आपने अगर उसका क्लास फाइल भी उठा के अगर उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करके ओरिजिनल कोड डेवलप करने का या आइडियाज चोरी करने का ट्राई किया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वायलेशन। तो आप बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में भी अगर कुछ चीज है और आप उसको भी अगर मिसयूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है? स्टेटमेंट इन मशीन लेवल आर रिफर्ड टू एज ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टेटमेंट सेम लाइक हाई लेवल इज रिफर्ड टू एज सोर्स कोड। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटररी वर्क, याद रखो, बट ऑडियो ग्राफिक्स एंड वीडियो क्रिएटेड अंडरलाइंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स मे नॉट नेसेसरीली बी लिटररी वर्क। कॉपीराइट ओनर हैव एक्सक्लूसिव राइट टू डू और ऑथोराइज द डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, मतलब अगर मेरा सॉफ्टवेयर है मेरा सॉन्ग है तो मैं किसी दूसरे को उसके कॉपीराइट्स एक्सक्लूसिव राइट्स दे सकता हूँ, जहाँ पे कोई दूसरा पर्सन उसको मॉडिफाई कर सके, अपडेट कर सके, अपने बेनिफिट के लिए और कहीं पे चाहिए तो यूज कर सके। सो इन केस ऑफ लिटररी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क नॉट बींग अ कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सेप्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, हम लोग क्या बता रहे हैं, आप टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटीरियल फॉर्म इंक्लूडिंग स्टोरी और इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कोई एक ड्रामा हम लोगों ने देखा, स्टेज शो देखा और उसके बेस के ऊपर मूवी बना रहे हैं हम लोग, तो वो टाइम पे जो वो ड्रामा जिसने भी बताया था किया था उसका जिसके पास कॉपीराइट है उसको आपको यहाँ से उसके पास से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। टू इश्यू अ कॉपी ऑफ अ वर्क टू पब्लिश्ड और नॉट बींग कॉपी इज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक और टू कम्युनिकेट इट टू पब्लिक, है ना? अब आप देखो कि समटाइम्स कोई अगर पब्लिक में अगर कोई लेक्चर्स है तो उसके ऊपर भी, जैसे अगर मैं अभी आपको ये यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मेरे कॉपीराइट्स रहेंगे।
अब कोई अगर मैं मूवी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे भी कॉपीराइट्स रहेंगे। आप देखो कि बहुत सारे टॉलीवुड मूवीज के बॉलीवुड वर्जन बनते हैं, उसके ऊपर भी कॉपीराइट रहेंगे, है ना। तो आपने कोई एक वर्क अडॉप्ट किया हुआ है उस, जिसको आप मॉडिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, रीमेक बनाने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपके कॉपीराइट्स रहेंगे। अब टॉलीवुड मूवीज जो होते हैं, साउथ के मूवीज जिसका बॉलीवुड वर्जन बनता है, तो वो टाइम पे याद रखो, कभी कभी आपने देखा रहेगा कि वो जो मूवीज है ना, वो एग्जैक्ट उसका स्टोरी लाइन, डायलॉग्स भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, सॉन्ग्स कहीं ना कहीं अलग रहता है, तो वो टाइम पे उनके कॉपीराइट्स जो है वो अलग वे में आएंगे, ठीक है। सो एक ही मूवी को आप अलग अलग वे में परचेस करते हैं, उसके कॉपीराइट्स आप अलग अलग वे में अक्वायर करने का ट्राई कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, लाइक वी हैव कॉपीराइट ऑफ, वी हैव परचेस्ड अ कॉपीराइट ऑफ सम मूवी, जिसमें हम लोग बॉलीवुड, टॉलीवुड टू बॉलीवुड। सो यहां पे देखो आपको बहुत सारे मूवीज मिलेंगे, जो अगर आप देखेंगे कि एग्जैक्ट आपको उसके कॉपीज मिलेंगे, ठीक है। जैसे वी हैव दिस मूवी, अब देखो ये यहां पे अगर आप देखेंगे कि एक आपको ये पोस्टर भी सेम मिलेगा, है ना, और कहीं ना कहीं आपको कैरेक्टर्स भी जो है ना वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर मिलेंगे, डायलॉग डिलीवरी भी उनका कहीं ना कहीं सिमिलर मिलेगा। सो हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे आपको एक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने सेम या सिमिलर टाइप के मूवीज किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये वांटेड है, देन यहाँ पे ये वाला एक मूवी है, देन ये देखो ये वांटेड का ये ओरिजिनल कॉपी ये है, ये डुप्लीकेट है। सो डायलॉग डिलीवरीज, वे ऑफ वर्किंग, डायलॉग डिलीवरी वो एक्टर के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन जो सिनारियोज होते हैं, फाइट सीन्स होते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पे अगर डिस्को में कहीं पे फाइट हो रहा है तो यहाँ पे भी सेम होगा, अगर वो विलन को कोई एक्स वाई जी में मार रहा है यहाँ पे भी सेम मारेगा, अगर वो कहीं पे ड्राइव करके जीप से जा रहा है तो यहाँ पे भी वो सेम होगा। तो आप स्कैन टू स्कैन मैच कर सकते हैं, इतना सेम होता है, खाली एक्टर हीरो जो है वो चेंज हो गए, बाकी उनके कोई कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे कोई दूसरे रहेंगे, यहाँ पे वो टॉलीवुड वाले, साउथ वाले, यहाँ पे कोई हम लोग के दूसरे रहेंगे, बहुत बार कोई सेम भी हो सकता है ना। तो ये एक कॉपीराइट हो गया, जहां पे आपने कोई एक मूवी का कॉपीराइट लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे भी देखो ये भी एक कॉपीराइट है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं उसके कॉपीराइट परचेस करके आप उसका स्टोरी लाइन चेंज नहीं कर सकते, उस जो वे में उन्होंने बनाया वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाद में दूसरा जो वे होगा कि हम लोग के पास कोई एक मूवी है और उसको अभी आप क्या करेंगे, आप उसको थिएटर में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके अलग कॉपीराइट्स रहेंगे टेम्पररी, ये अलग कॉपीराइट हो गए। एक मूवी का हम लोगों ने कॉपीराइट लेके उसका साउथ टॉलीवुड से बॉलीवुड वर्जन बनाया, दूसरा जो पार्ट रहेगा जहां पे हम लोग वो मूवी को थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे डाल रहे हैं, अमेजॉन प्राइम पे डाल रहे हैं, सो दैट इज अगेन अनदर टाइप ऑफ कॉपीराइट। देन कोई एक सेटमैक्स, जी सिनेमा या ऐसे कोई मूवी चैनल्स जो है वो उसके कॉपीराइट परचेस करें, जैसे वो अपने चैनल पे वो मूवीज बताएंगे। सो दिस आर द डिफरेंट वे हाउ कॉपीराइट आर बेसिकली परचेस्ड फॉर डिफरेंट मूवीज। सो यहाँ पे क्या बोला है, टू मेक अ ट्रांसलेशन, टू मेक एनी अडेप्शन ऑफ द वर्क, टू डू इन अ रिलेशन टू ट्रांसलेशन। जैसे आप अब देखो ट्रांसलेशन में क्या होगा, लाइक वी हैव बाहुबली मूवी, तो ये जो बाहुबली मूवी है इसका आप देखो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये मूवी का ट्रांसलेशन हुआ है, तो इसमें से जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हुआ इसके राइट्स किसी दूसरे के पास है, टॉलीवुड में जो हुआ इसके ओरिजिनल राइट्स जिसने बनाया उसी के पास रहेंगे, इंग्लिश में अगर हुआ तो उसके राइट्स कोई दूसरा परचेस करेगा, मतलब अलग अलग लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके पास उनके वो स्पेसिफिक ट्रांसलेशन के राइट्स जाएंगे, पूरे मूवी के राइट्स नहीं आएंगे, गेटिंग। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे, सो ट्रांसलेशन फॉर अडॉप्शन ऑफ अ वर्क, देन इन केस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, फोटो एनी ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड अबाउट अ लिटररी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क टू सेल और गिव ऑन अ कमर्शियल रेंटल बेसिस। अब देखो ये जो रेंटल बेसिस है, आपने बुक माई शो अगर देखा रहेगा, बुक माई शो यहाँ पे आप देखो आपको सर्टन मूवीज जो है ना वो रेंट पे मिलता है, लाइक इफ आई गो टू मूवीज। सो जब से थिएटर्स अगर बंद है ना, तो आपको यहाँ पे उन्होंने एक नया पैटर्न स्टार्ट किया, लाइक आई कैन परचेस सम मूवी फॉर रेंट अगर वो अभी थिएटर में नहीं है तो, लाइक
हम लोग के पास कोई इंग्लिश मूवीज है? वी हैव दिस मूवी, सो टेम्पररी आई कैन बाय और रेंट दिस मूवी। ठीक है, सो देखो यहां पे बाय या रेंट पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है वो ध्यान से देखो। आई हैव ऑप्शन टू बाय, व्हेन आई क्लिक हियर, ये आपको क्या बोल रहा है, एचडी वर्जन आपको बाय करना है। रेंट, यू कैन रेंट दिस मूवी फॉर 30 डेज बट विल हैव 2 डेज टू वॉच इट वंस यू स्टार्ट प्ले बैक। डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा। वॉच दिस मूवी एनी टाइम आफ्टर परचेसिंग, अवेलेबल फॉर डाउनलोड एचडी वर्जन। कितने में आपको मिल रहा है? 689 पे। और उसके टर्म्स कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं। सो टर्म्स कंडीशन दिज आर द मेन पॉइंट्स, जहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि ये मूवी आप परचेस कर रहे हो, इट डजेंट मीन्स कि यू कैन सेल इट टू सम अदर पार्टी और यू कैन अगेन डू अ बिजनेस विद दिस। तो आपको खाली ये यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले सीडी परचेस करते थे मूवी के, तो वैसे ही आप ये इसका सॉफ्ट कॉपी एक परचेस करके अपने पास रख सकते हो और चाहिए तभी यू कैन यूज दिस मूवी। ठीक है, अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आप उसको ज्यादा टाइम तक नहीं देख सकते, मल्टीपल टाइम्स देखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच दैट मूवी, दैट इज द डिफरेंस। सो ये एक परचेस करना मतलब अभी बुक माई शो पे ये इंडिविजुअल पर्सन भी ये मूवी को परचेस कर सकते हैं, ये ऑप्शन आया। सेम वे जब मूवी चैनल्स अगर टीवी कोई मूवी चैनल्स जब कोई एक मूवी को परचेस करते हैं तो उसके भी ऐसे अग्रीमेंट्स रहते हैं। क्या कोई एक मूवी को आप बाई कर रहे हैं, जैसे आप देखो कि सेटमैक्स के पास वो सूर्यवंशम था, तो एन नंबर ऑफ टाइम यू कैन प्ले, और या फिर आप टेम्पररी रेंट पे ले रहे हैं। सेम वे जैसे आप देखो कि आईपीएल है, आईपीएल के जो राइट्स है वो अभी स्टार स्पोर्ट्स के पास चले गए, सो आप देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा स्टार इंडिया अक्वायर्ड राइट्स फॉर आईपीएल फॉर 5 years इन 2018 फॉर 16,000 मोर देन 16,300 करोड़। इट इज एक्सपेक्टेड कवरेज ऑफ लीग इन टू अ रीजनल लैंग्वेजेस, रिवेन्यू क्लाइम टू 35%, मतलब इतना उनको प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद में इतना प्रॉफिट हुआ सेकेंड ईयर में, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। सपोज आपने 16,000 इन्वेस्ट किया है और आपको कितना 1,700 यहाँ पे और 2,100, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सो दैट इज अ क्वाइट अ बिग प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये इन्होंने जो राइट्स परचेस किए हैं तो उसके बाद उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर या उनके मोबाइल ऐप्स के ऊपर ही ये मूव जो मैचेस है ये टेलीकास्ट होंगे, उनके रिपीट वर्जन आप यहाँ पे ही देख सकते हो, और उनका रिवेन्यू कहाँ से होगा, बीच में जो एडवर्टाइजमेंट्स बता रहे। तो अभी अगर कोई केबल टेलीविजन अगर अपने साइट पे अपने चैनल पे अगर ये सेम मैचेस अगर ब्रॉडकास्ट करने लगा तो ये जो इनका रिवेन्यू है इसमें लॉस होगा, है ना, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें लॉस होगा। तो अगर ऐसा कुछ इशू हुआ तो वो टाइम पे भी कॉपीराइट वाला जो इशू है वो पिक्चर में आएगा जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। आर्टिस्टिक वर्क में भी सेम होगा, टू रिप्रोड्यूस द मटेरियल डिपिक्शन या 3D मॉडल बनाना 2D में से, वो भी कॉपीराइट वायलेशन ही होगा। मतलब कोई आर्टिस्ट का कोई वर्क अवेलेबल है जो 2D में था, नाउ यू से कि नहीं मैंने 2D का 3D कर दिया, तो इसके लिए अभी यहाँ पे कॉपीराइट वायलेशन नहीं हुआ है, वो नहीं चलेगा, वो भी कॉपीराइट वायलेशन ही होगा। शुड टू इंक्लूड अ वर्क सिनेमा मेक अडॉप्शन ऑफ दिस वर्क टू डू इन रिलेशन व्हेन अडॉप्शन फर्स्ट 4 एक्ट इन द इंस्टॉल कैटेगरी आएंगे। इन केस ऑफ सिनेमा टू मेक अ कॉपी ऑफ फिल्म इंक्लूडिंग फोटो ऑफ दैट फिल्म, वो भी कॉपीराइट वायलेशन रहेंगे। आप किसी को सेल कर रहे हैं, किसी को रेंट पे दे रहे हैं वो मूवी, तो वो टाइम पे क्या कौन से टर्म्स कंडीशन पे आपने वो मूवी सेल किया या रेंट पे दिया, जैसे अभी हम लोगों ने बुक माई शो पे देखा, उसके टर्म्स कंडीशन फॉलो करना है, मेंशन किए रहेंगे, वो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे कॉपीराइट वायलेशन होगा, देन जो भी एक्शन है वो होगा यहाँ पे आगे। साउंड रिकॉर्डिंग्स उसके लिए भी सेम होगा, आप वो साउंड रिकॉर्डिंग किसी को बाय या सेल करने दे रहे, आप किसी को आप जैसे आप देखो अमेजोन प्राइम म्यूजिक में बाय कर रहा हूँ, या फिर वो रेडियो आता है ना, कौन से वाले रेडियो है जिसमें मल्टीपल सॉन्ग्स आते हैं, रेडियो विद ओल्ड सॉन्ग, कौन सा वो, सारेगामा, हाँ कारवा।
सो देखो ये कारवा वाला जो है, अब अगर यहाँ पे आप इमेज देखोगे तो ये क्या है, ये मेरे पास ये रेडियो है, इसमें 5,000-6,000 सॉन्ग्स है। तो यहाँ पे ये जो सॉन्ग्स है इसके कॉपीराइट परचेस हुए जब मैंने ये रेडियो परचेस किया, तो उसके बेस के ऊपर ये सॉन्ग्स मैं कितने भी बार सुन सकता हूँ, लेकिन इट डजेंट मीन्स कि मैं इसके मल्टीपल कॉपी बना के ऑनलाइन सेल करूंगा। सो आई होप जो भी मैंने बोला वो क्लियर है सबको। देन नेक्स्ट जो हम लोग का जो पॉइंट है, दैट इज कॉपीराइट ओनरशिप एंड असाइनमेंट्स। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि किसको हम लोग कॉपीराइट असाइन करेंगे, कौन से टर्म्स कंडीशन पे असाइन करेंगे। सो ये जो टॉपिक है इससे हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, आज नहीं बता रहा हूँ मैं। अभी कुछ डाउट्स है तो पूछो, एनीवन एनी डाउट्स, एनीवन एनी डाउट्स, ओके ठीक है।